जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीर हरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा, वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, वो ये दिखाता है कि अब हम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने, सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है।